नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिर से बेसिक शिक्षा से जुड़ी हुई 10 खबरें। इन 10 खबरों में बताएंगे आपको 69,000 शिक्षक भर्ती के कट ऑफ के बारे में, 68,500 शिक्षक भर्ती के पुनर्मूल्यांकन के बारे में, रिजवान अंसारी के कोर्ट केस की अपडेट, साथ के साथ इलाहाबाद कोर्ट अपडेट और एक खबर प्रेरकों से भी संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं इन 10 खबरों को। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले नीचे लाल बटन में दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दबा दीजिए बेल आइकन को ताकि डेली जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ वो आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के समाचार, जिसमें सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कल की कोर्ट अपडेट के बारे में, क्योंकि आज 18 जनवरी है, 18 जनवरी को भी आज केस की सुनवाई होनी है। लेकिन कल की कोर्ट अपडेट के बारे में हम आपको हल्का सा बता दें, क्योंकि एक वीडियो मैं पहले ही बता चुका हूं जिसमें मैंने कोर्ट की पूरी अपडेट उसमें दी है, चाहे तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। लेकिन जो भ्रांतियाँ चल रही थी कि स्टे नहीं लगा है, उस मामले में हम ये कहना चाहेंगे कि कोर्ट ने रिजवान अंसारी की कोर्ट अपडेट जो लखनऊ से थी उसमें ये था कि सरकार के रिजल्ट जारी करने पर स्टे लगाया था कि सरकार अभी रिजल्ट जारी नहीं करे जब तक इस केस की सुनवाई नहीं हो जाए, क्योंकि इसकी डेट बहुत एक सप्ताह बाद मिलने वाली थी। लेकिन रिजवान अंसारी के अधिवक्ता ने कहा कि अगर रिजल्ट जारी हो गया तो फिर समस्या बड़ी हो जाएगी और इसलिए इसको पहले सुनवाई करा दी जाए, बाद में रिजल्ट जारी करवाया जाए। तो इस स्थिति पर कुछ जज साहब ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश किया था, जिसको स्टे कहा गया। तो आज सुनवाई है, आज फाइनल हो जाएगा कि इस भर्ती परीक्षा के परिणाम पर स्टे लगेगा या नहीं लगेगा, या प्रक्रिया पूरी तरह से रोकी जाएगी जब तक इन सभी केसों की, जो अब तक लगभग कई केस लखनऊ और इलाहाबाद कोर्ट में दाखिल हो चुके हैं, उन सभी की जब तक फाइनली सुनवाई नहीं हो जाएगी तब तक रिजल्ट जारी नहीं होगा। जो भी होगा आज फाइनल सुनवाई होगी, क्योंकि आज लखनऊ कोर्ट में भी इसकी डेट लगी हुई है और इलाहाबाद कोर्ट में भी इसकी डेट लगी हुई है। इलाहाबाद कोर्ट की अपडेट हमने कल अमित कुमार जी के द्वारा आपको सभी को बताई दी थी कि वहाँ पर भी अधिवक्ताओं ने काफ़ी अच्छी बहस की है, सरकारी वकील पासिंग मार्क्स इतना हाई रखने पर निरुत्तर रहे, लेकिन सरकार ने एक दिन का समय और मांगते हुए वहाँ पर महाधिवक्ता शामिल होंगे, वो बहस करेंगे इन अधिवक्ताओं से और बताएंगे कि सरकार इतने हाई कट ऑफ पर किस तरीके से योग्य शिक्षकों को शामिल करना चाहती है। जज साहब आज की इस सुनवाई का परिणाम जल्द से जल्द निकालने के लिए आज हो सकता है कि दोपहर बाद इस केस के फाइनल हो जाए, क्योंकि 10:15 पर केस की सुनवाई है, 10:15 केस पर 10:15 मिनट पर रिजवान अंसारी के केस की सुनवाई है। तो देखते हैं जल्दी ही इसका परिणाम आ जाएगा। इसके बाद जो हम अगली खबर बता रहे हैं वो है आपकी उमा देवी जी की लखनऊ धरने की अपडेट। लखनऊ में आज 18 जनवरी से अनवरत शिक्षा मित्रों का धरना चलेगा। ये धरना शिक्षा मित्रों को पूरी तरह से उनका मान सम्मान वापस दिलाने के संबंध में है, क्योंकि पिछले 8 महीने से सरकार केवल आश्वासन ही शिक्षा मित्रों को दे रही है कि हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं, उनके लिए स्थायी समाधान निकाला जा रहा है, उनके लिए कोई ना कोई सकारात्मक मार्ग ढूंढा जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी घोषणा या परिणाम सामने नहीं आया है। यहाँ तक कि उमा देवी जिन्होंने अपने केस त्याग के सरकार के ऊपर दबाव बनाकर एक हाई पावर कमेटी बनवा दी गई थी, हाई पावर कमेटी में शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान होना था, लेकिन उसकी रिपोर्ट बनी भी, मुख्यमंत्री तक पहुँची भी, लेकिन फिर भी उसको उजागर नहीं किया गया है। कुछ शिक्षा मित्रों का कहना है कि वो हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट सही समय और सही जगह पर घोषणा होगी और जल्द ही शिक्षा मित्रों को मान सम्मान पूरा वापस मिलेगा। लेकिन इधर उमा देवी जी का कहना है कि फिलहाल आप सभी किसी भी ऑडियो वीडियो में की बातों में ना आए जिसमें समायोजन बहाल होने की बात हो रही हो, क्योंकि बिना संघर्ष के कुछ भी हासिल नहीं होता है। इसलिए उन्होंने सभी शिक्षा मित्रों को लखनऊ में 18 जनवरी से हो रहे इस आंदोलन में शामिल होने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि किसी भी तरीके से किसी भी ऑडियो पर ये विश्वास ना करें कि आपका 22 जनवरी तक या 23 जनवरी तक कोई समायोजन बहाल हो रहा है या कोई भी संशोधन चल रहा है। हम सरकार के इस वादा खिलाफी के खिलाफ इस लखनऊ के में धरने में शामिल हो रहे हैं। आप सभी शिक्षा मित्र आइए और उनका सहयोग कीजिए, ये कहना है उमा देवी जी का। क्योंकि अजय प्रताप सिंह जो पिछले कई महीने से ये लगातार कह रहे हैं कि इस तारीख तक शिक्षा मित्रों का समायोजन बहाल हो जाएगा, 1 अप्रैल 2017 से समायोजन बहाल करवाने वाले अजय प्रताप सिंह फिर से वही पोज डालने लगे हैं और कहने लगे हैं कि इस बार 22 जनवरी तक शिक्षा मित्रों की घोषणा हो जाएगी, 22 जनवरी को ही शिक्षा मित्रों की घोषणा हो जाएगी
और ये घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बनारस की धरती पर होगी। लेकिन देखते हैं कि उनके ये वादे पहले भी कई बार विफल हो चुके हैं, लेकिन सक्षम मित्र इस बार इनकी बातों में आने से नहीं चुकेगा, वो इनकी बातों में नहीं आएगा, वो लखनऊ में शिक्षा मित्र के धरने में शामिल होगा। क्योंकि घोषणा हो चाहे ना हो, इस समय वर्तमान में सबसे जरूरी जो अहम मुद्दा चल रहा है वो शिक्षा मित्रों के लिए, वो उमा देवी के धरने में शामिल होने के बारे में चल रहा है। तो सभी शिक्षा मित्रों ने जोरों से इसमें भाग लिया है, कई जिलों से बसें भर के और ट्रेन से भी शिक्षा मित्र वहाँ पहुँचे हैं, काफ़ी भारी संख्या में लखनऊ में शिक्षा मित्रों की संख्या पहुँची है। हम देते रहेंगे आपको लखनऊ के धरने की अपडेट, बस आप हमारे चैनल पर बनी रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आप तक मिलती रहे। इसके बाद जो हम अगली खबर आपको बता रहे हैं वो है शिक्षक भर्ती के पुनर्मूल्यांकन के बारे में। शिक्षक भर्ती के पुनर्मूल्यांकन का परिणाम बहुत पहले ही चेक हो चुका है, लेकिन रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। उस रिजल्ट को जारी करने के लिए पीएनपी कार्यालय पर धरना दिया गया है कि जल्द से जल्द उस रिजल्ट को जारी किया जाए, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी आंदोलन को तेज कर देंगे। क्योंकि 34,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था पुनर्मूल्यांकन के लिए, और ये बता भी दी गया है कि पुनर्मूल्यांकन का कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन आप जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करेंगे, उसके बाद चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। लेकिन जब तक रिजल्ट ही जारी नहीं हो रहा है तो चयन की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़े, क्योंकि सभी को जल्दी है आचार संहिता से पहले कार्य पूरे कराने की। 20 फरवरी से आचार संहिता लगने की पूरी पूरी संभावना है, इसलिए हर अभ्यर्थी चाहता है कि 20 फरवरी से पहले ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाए, सरकार के द्वारा इन नए पास हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी दे दिए जाएं। इसके बाद जो हम अगली खबर बता रहे हैं वो है 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। 69,000 शिक्षक भर्ती को निरस्त कराने के लिए 11वें दिन भी आंदोलन जारी रहा है। ये आंदोलन पीएनपी कार्यालय पर अभ्यर्थियों द्वारा चलाया जा रहा है। उनका कहना था कि 69,000 शिक्षक भर्ती का पेपर आउट हो चुका था व्हाट्सएप पे, पेपर करने से पहले ही जब व्हाट्सएप पे पेपर आ गया है तो इसको निरस्त क्यों नहीं कराया जा रहा है। 11वें दिन लगातार ये धरना चलता रहा और ये धरना पीएनपी कार्यालय से चलकर आज़ाद पार्क तक गया, वहाँ पर उन्होंने रैली निकाली और इस पेपर को निरस्त कराने की मांग की है। इसके बाद जो हम अगली खबर बताने जा रहे हैं वो है प्रेरकों से संबंधित, क्योंकि प्रेरकों को पिछले 40 महीनों से मानदेय नहीं मिला था। अब ये संभावना बन रही है कि प्रेरकों को उनके पिछले 40 महीने का मानदेय देने के साथ साथ उनकी संविदा अवधि को भी बढ़ा दिया जाएगा, यानी उनको फिर से बहाल कर दिया जाएगा। 31 मार्च 2018 को इनकी संविदा समाप्त हो गई थी, जिसके बाद इनको घर बिठा दिया गया था, ये कोई भी काम नहीं कर रहे थे। लेकिन सरकार चुनाव से पहले फिर से एक बार इनको एक और तोहफा देने जा रही है। हो सकता है कि इनकी संविदा बढ़ा दी जाए और 40 माह का मानदेय भुगतान भी जल्द से जल्द करा दिया जाए। तो ये प्रेरकों के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इस संबंध में एक पत्र पहले भी वो सोशल मीडिया पर चल रहा था, लेकिन उससे लोग संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे। लेकिन फिलहाल आज प्रिंट मीडिया में भी ये खबर आई है कि प्रेरकों की अवधि बढ़ाई जा सकती है। इसके बाद जो हम अगली खबर बता रहे हैं वो है कि जिला गोरखपुर में अब नए विद्यालयों को मान्यता दी जाने से पहले, यानी गोरखपुर हो जिला में प्राथमिक विद्यालय हो चाहे उच्च प्राथमिक विद्यालय हो, अगर इनको मान्यता चाहिए तो उन्हें लिख के देना होगा कि वो अपने विद्यालय में राष्ट्रीयगान गवाएंगे। क्योंकि कई मामले ऐसे सुनने में आए थे जहाँ प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में राष्ट्रीयगान नहीं गाया जाता था, या उससे संबंधित कोई भी ऐसे वाद विवाद सामने आते थे तो निर्णय लेना बड़ा कठिन होता था। इसलिए अब किसी भी विद्यालय की मान्यता के लिए आपको लेके देना होगा कि आप अपने स्कूल में बच्चों से राष्ट्रीयगान करवाएंगे, साथ के साथ इसकी सिक्योरिटी राशि यानी जो जमा धन राशि है वो भी बढ़ा दी गई है। तो ये है गोरखपुर जिले से खबर। और अगली खबर है यूपी बोर्ड को लेके। यूपी बोर्ड की कॉपियाँ अब जब बदलने की जो मामले सामने आते थे उससे निपटारा पाने के लिए सरकार ने अब हर छात्र को यूपी बोर्ड की कॉपियों पर हर पेज पर अपना रोल नंबर लिखने के निर्देश दिए हैं कि बच्चा हर पेज पर अपना रोल नंबर लिखेगा, जिससे उसकी कॉपी बदली जाने पर या उसके बीच में से पेज फाड़ देने या दूसरे पेज लगाने जैसे मामले खत्म हो जाएंगे। इसके बाद जो हम अंतिम खबर आपको जो बताने जा रहे हैं वो है आज मुख्यमंत्री योगी नाथ जी कैबिनेट बैठक लेंगे। इस कैबिनेट बैठक में 10% आरक्षण के मामले पर मुहर लग सकती है, क्योंकि केंद्र ने एक कानून बनाया है जिसमें 10% गरीब सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण दिया जाएगा। तो इस मामले में आज राज्य सरकार कैबिनेट बैठक में मुहर लगा सकती है। इसका फायदा आगे आने वाली सभी आगामी भर्तियों को में मिलेगा, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। तो दोस्तों ये थी बेसिक शिक्षा जुड़ी आज की 10 खबरें। ऐसी ही खबरें हम डेली आपको देते रहते हैं, लेकिन उसके लिए अगर आपको ये डेली खबरें देखनी है तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में दबाना है बेल आइकन को ताकि ऐसी ही डेली अपडेट आपको मिलती रहे। और साथ के साथ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। मैं हूँ आपका साथी गोपाल सिंह, नमस्कार।